इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई और पुणे में बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है, तो पुणे में भी आयकर विभाग का सर्च जारी है। इनकम टैक्स की रेड फिल्म मेकर मधु मोंटेना और विकास बहल के दफ्तर और ठिकानों पर भी हुई है। कुल मिलाकर 22 से ज्यादा लोकेशन है जहां इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तापसी पन्नू के मुंबई के घर पर सर्च कर रही है, तो मुंबई और पुणे समेत 22 ठिकानों पर इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। और ये आयकर चोरी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, लेकिन और उसी मामले में ये 22 ठिकानों पर इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट मुंबई पुणे में एक्शन ले रहा है, सर्च चल रही है। बॉलीवुड में आईटी रेड पर पूरी डिटेल आपको देंगे। फैंटम फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मधु मोंटेना और विकास बहल पार्टनर थे। 2015 में फैंटम फिल्म्स में डील हुई, 50% हिस्सा रिलायंस एंटरटेनमेंट ने खरीदा। फैंटम फिल्म्स की पहली फिल्म 2013 में रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा की लुटेरा आई। इस प्रोडक्शन कंपनी ने हंसी तो फंसी, क्वीन, अगली, NH10, हंटर, बॉम्बे वेलवेट और मसान जैसी फिल्में बनाई। 2018 में फिल्म प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया। इसकी कई फिल्मों में धर्मा प्रोडक्शन जुड़ा, पैसों की लेन देन हुई। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल लेन देन की पड़ताल कर रहा है, आगे इससे जुड़े सभी फाइनेंशियल दस्तावेजों की जांच होगी। आईटी की टीम फैंटम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ी तमाम कंपनियों की आईटीआर भी जुटा रही है। आईटी की टीम एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर भी छापेमारी कर रही है। इस वक्त पन्नू के अपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ज्योता मित्रा की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गोरेगांव के इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग के सामने। इस बिल्डिंग में बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, लेकिन आज मामला है तापसी पन्नू का, जिसके घर पर आईटी के का रेड चल रहा है। सुबह से ही ये रेड जो है वो चल रहा है। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं। हालाँकि बताया जा रहा है कि तापसी पन्नू घर पर नहीं है, वो इस वक्त अनुराग कश्यप की ही फिल्म दोबारा की शूटिंग पुणे में, जिसकी शूटिंग चल रही है, वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो टैक्स चोरी का मामला है और बहुत सारे ऐसी जगहों पर, करीब 22 ऐसी जगहों पर जो है वो रेड चल रही है। तापसी पन्नू का नाम इसमें आया है, जो कि एक ए लीग एक्ट्रेस मानी जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जिसमें तापसी पन्नू ने जो विमेन सेंट्रिक फिल्में हैं, सच्चाई की बात करती हैं और अपने अपने जो थाट्स हैं उसे लेकर के वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती हैं। ट्विटर पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। ऐसे में आज जो खबर आई ये बहुत शॉकिंग है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है, अनुराग कश्यप के घर पर, विकास बहल के घर पर, मधु मोंटेना के घर पर, तापसी पन्नू के घर पर। बता दें कि अनुराग कश्यप, मधु मोंटेना, विकास बहल, वो सभी एक कंपनी से जुड़े हुए थे, फैंटम फिल्म्स। हालांकि फैंटम फिल्म्स 2018 में डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन अनुराग कश्यप और तापसी का जो रिलेशन है वो काफ़ी सामने आता है, एज एन एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी काम करने पर विश्वास करते हैं, दोनों के थॉट्स बहुत ज़्यादा सामने आते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो इस वक्त जो है वो रेड यहाँ पर चल रही है। तापसी घर पर नहीं है, उनके घर वाले मौजूद हैं, बताया जा रहा है। उनकी बहन नुपुर जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल्स जो हैं वो बाहर नहीं आए हैं और हमें पता नहीं चल पाया है कि आखिर उनकी जो तलाश जो है उस पर उन्हें क्या कुछ मिल पाया है। फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर तापसी पन्नू की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आता है जहां पर वो अपनी सफाई देती है। कैमरामैन सागर खरे के साथ ज्योता मित्रा, सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई। इस इनकम टैक्स की रेट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि जिनके बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है उनके यहां रेट पड़ती है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है, ऐसा थोड़ा ही है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार जिन लोगों की आवाज बंद करना चाहती है उन्हीं के खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को लगा देती है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ही मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ऐसे ही एक्शन होता है। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। और कोई ये नया नहीं, जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से, उसका ताजा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता जितेंद्र अव्हाड ने भी इस छापेमारी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। ये सब केंद्र सरकार और उस पक्ष के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। भारत की लोकतंत्र सुरक्षित रहे, भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए आवाज उठाते थे। बराबर उन्हीं को चुन चुन के आज उनके घर में तलाशी ली जा रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि कर की चोरी का मामला है। अब आपको ये सिर्फ कर की चोरी का मामला लगता है या फिर कुछ और? अभी कर की चोरी दिखाने के लिए तो तुम रास्ते पे चलते हुए आदमी को भी कह सकते हो कि इसने चोरी की है, हम इसको हिरासत में ले रहे हैं और तलाशी कर रहे हैं। उसमें वो ये बहाना बनाने के लिए तो बहुत आसान है कि कर की चोरी हो गई। आपका कहना है जो भी कंगना के विरोध में बोलेगा उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा है, यही है ना? या उसको पनिशमेंट दिए जा रहे हैं? आईटी की रेड चल, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अरेराबी से कामकाज कर रही है वो तो देखो, संविधान रखते हैं या नहीं रखते हैं ये 8-5 साल। तो आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली पूरी तरह से रेड हो रही है जो कर की चोरी का मामला बताकर? अब ऐसा है, जो उनके बाजू में बोलेगा वो भगवान, जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही, ये है। हमारी संवाददाता जोयता मित्रा इस वक्त तापसी पन्नू के घर के ठीक बाहर से जुड़ चुकी है मेरे साथ, और राजेश कुमार अनुराग कश्यप के घर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, और जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जोयता आपके पास आ रहा हूं, आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी जो कुछ देर पहले आपने हम तक पहुंचाई है। क्या रेड की कार्रवाई अब भी चल रही है और क्या परिवार की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन मिला है? तापसी से कोई संपर्क हो सका आपका? हुसैन, तापसी से संपर्क साधने की कोशिश हम सुबह से ही कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक बहुत ही अहम परेशानी है उनके और उनके परिवार के लिए। क्योंकि इस वक्त जहां पर रेड चल रही है आप देख सकते हैं, यहां पर इतने सारे गार्ड्स जो हैं खड़े हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल कदम रखने की इजाज़त नहीं है किसी को। तो सख्त हिदायत दी गई है और बताया जा रहा है कि ऑफिशियल सभी घर पर ही हैं, उनका परिवार यहाँ पर है, उनकी बहन शगुन जो है वो यहाँ पर है, लेकिन तापसी शूटिंग पर में व्यस्त हैं। दोबारा फिल्म की शूटिंग चल रही है, अनुराग कश्यप की ही फिल्म है, और वो लगातार अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम में पोस्ट करती रहती हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में तापसी तो यहाँ पर नहीं है और ना ही अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब हम आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं, जिस तरह से वो अपनी बातें रखती हैं, तो शायद अपना बयान वो शाम तक ज़रूर दे दें। फिलहाल तो वो टच में रही होंगी अपने परिवार के कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हुसैन, राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त अनुराग कश्यप के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। राजेश, आपके पास क्या है अपडेट रेड को लेकर के? और अनुराग कश्यप तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत मुखर होते हैं, तमाम मुद्दों पर वो बहुत खुल करके बोलते हैं, इस रेड को लेकर के क्या उनके तरफ से कोई रिएक्शन मिल सका आपको?
देखिए फिलहाल अनुराग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। मैं इस वक्त ओशिवरा इलाके में हूँ और इसी इमारत में अनुराग कश्यप का घर है जहाँ पे इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। साथ ही उस फैंटम के दफ्तर में भी इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं जहाँ पे पहले जहाँ पे दफ्तर हुआ करता था फैंटम का। तो इस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी हर उस जगह पर रेड कर रहे हैं, हर उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि टैक्स इवेजन के मामले में उन्हें सबूत हाथ लगेंगे। यहाँ पर बताया जाए कि पिछले 3 से 4 घंटों से अनुराग कश्यप के घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। 6 से 7 अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और एविडेंस जुटाने की कोशिश हो रही है, हुसैन, सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। जो कागजात है इनकम टैक्स से रिलेटेड उसको इस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी खंगाल रहे हैं। साथ ही जो डिजिटल एविडेंस है, चाहे वो लैपटॉप हो अनुराग का या फोन हो, उसकी भी जांच पड़ताल करने की कोशिश जो है वो कर रही है। तो फिलहाल इनकम टैक्स की रेड जारी है। इनकम टैक्स चलिए इंतजार करते हैं कि रेड जब खत्म होगी उसके बाद क्या मीडिया से भी कोई जानकारी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर की जाएगी। बहुत अहम बात है चूंकि जानना सबके लिए जरूरी है। हमारे साथ जेपी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, ऐसे किसी मामले में हम देख रहे हैं लगातार कि केंद्र सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की सिचुएशन बनती है जब भी कोई सेंट्रल एजेंसी इस तरह का काम कर रही होती है। इस बार भी वही सिचुएशन हमें दिख रही है, लेकिन क्या यह बात अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंच रही है? इसमें राजनीति आपको कहां तक जाती हुई दिखती है? देखिए, राजनीति सीधी है क्योंकि अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, बहुत मुखर रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बहुत मुखर रहते हैं। खास करके केंद्र सरकार के किसान जो नीतियां हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है इन दोनों ने। यही वजह है कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना हो, सभी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ जो है ये ईडी और आईटी की जाँच लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग है हुसैन। मामला यह है कि 2018 में फैंटम नाम की जो कंपनी है उसे बंद किया गया, डिसॉल्व किया गया। कारण उस वक्त कुछ और बताया गया, लेकिन बहुत सारी कंपनियां थी, करीब 28 कंपनियां थी और जो उसी कंपनी से जो दूसरी कंपनियों की लेन देन हुई उसी को लेकर के ये सारी जांच है। कर चोरी का कुछ मामला बताया जा रहा है। इंतजार करना होगा कि आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या जानकारी शेयर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश, राजेश और ज्योता हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।